11 जुलाई है, आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर विकास के परचम फहराया है चाइना ने, तो 79 में अगर चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो आज 60 करोड़ की आबादी बढ़ गया होता। भारत आज दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है और 20% आबादी दुनिया के शेयर में हो गया है, दुनिया की जितनी आबादी है। हमारे पास जमीन नहीं है, 2011 के मुताबिक 0.12 हेक्टर है, पानी 2% है। तो ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई जनसंख्या मेरे लिए एक चुनौती हो गया है और इस चुनौती का सामना केवल जनसंख्या के लिए कानून जैसे चाइना ने बनाया था वैसी एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। ऐसा कानून कि जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उसको सरकारी सुविधा से वंचित करनी चाहिए, उस पर अंक कानून का व्यवहार करना चाहिए, कानून का अंकुश लगे। और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, ये करने की जरूरत है। देश में 147 जिला है जहाँ का जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वो कारण है हिंदू महिलाओं की FTR कम है और मुस्लिम महिलाओं की FTR ज्यादा है, 1.25% के लगभग में ज्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब जरूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जरूरत है।